स्वैप ब्लेंड जैसा कि उसका नाम है, यहाँ पर जैसे हम ब्लेंड क्रिएट कर रहे थे तो दो प्रोफाइल को वो कनेक्ट करता था, टॉप और बॉटम की, और यहाँ पर स्वीप में एक पाथ के हिसाब से वो क्रिएट करता था। अब यहाँ पर स्वैप ब्लेंड है, यहाँ पर हम दो प्रोफाइल को एक पाथ के हिसाब से कनेक्ट करेंगे जिसे हम स्वैप ब्लेंड कहेंगे। जैसे मैं पाथ सिलेक्ट करूँगा स्वैप ब्लेंड टूल्स को, यहाँ पर कॉन्टेक्स्चुअल मेनू में मुझे सबसे पहले स्केच पाथ कहा जाएगा या फिर, और स्केच करने से पहले मैं इसको क्विट स्केचिंग करूँगा क्योंकि मुझे रेफरेंस लेवल में जाना था, और यहाँ पर आने के बाद मैं पाथ स्केच करूँगा। और इस तरह का मैं आर्क, दो आर्क क्रिएट करूंगा और मैं अपना पाथ क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर मोर देन वन कर्व नॉट अलाउड, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा जिगजैग लाइन लेनी है तो मैं यहाँ पर जिगजैग लाइन लूँगा। और मैं इसे फिनिश करूँगा। फिनिश करने के बाद मुझे अपना जो भी ड्रॉ करना है, मुझे इस प्लेन में ड्रॉ करना होगा या फिर इस प्लेन में ड्रॉ करना होगा। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वो मेरी प्रोफाइल वन होगी, तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल वन पे सिलेक्ट करूँगा। मैं प्रोफाइल लोड भी कर सकता हूँ और प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता हूँ। मैंने प्रोफाइल वन को सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट प्रोफाइल करूँगा, जहाँ पर मैं डायरेक्ट 3D व्यू 1 में बाय डिफॉल्ट जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं सबसे पहले अपने शो को ऑन करूँगा प्लेन को, ताकि मैं इजीली प्लेन को देख सकूँ, और इसे फ्रंट की तरह रखने के बाद मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट प्रोफाइल क्रिएट करूँगा और फिनिश करूँगा। सेम वे सेकंड प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरी सेकंड प्रोफाइल हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट को क्रिएट करूँगा तो फर्स्ट हाईलाइट होगी। अब मैं फिर से सेकंड को क्लिक करूंगा तो मेरी सेकंड प्रोफाइल हाईलाइट होगी, और यहाँ पर मैं एडिट प्रोफाइल करूंगा। एडिट प्रोफाइल में फिर से प्लेन ऑन करूंगा और उसको बने इतना फ्रंट फेस में रखने के बाद मैं यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और मैं इसे ओके करूंगा। जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा ये पूरे पाथ के हिसाब से अपडेट हो जाएगी, और सेम वे इसी में भी जैसे मैं डबल क्लिक करके एडिट करूँगा, यहाँ पर उसकी वर्टाइसिस भी आती है जिसको मैं ट्विस्ट लेफ्ट राइट या फिर इसकी ग्रिप को पकड़ के मैं उसके कंट्रोल चेंज कर सकता हूँ। मॉडिफाई में जाकर मैं इसे फिनिश करूँगा। अब ये पहले से थोड़ी चेंज हो गई है। इस तरह मैं क्रिएट के अंदर जाकर इन सभी फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता हूँ। वॉइड फॉर्म्स में भी सेम हम यही टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने स्वैप ब्लेंड क्रिएट किया है और उसे मुझे वॉइड में यूज़ करना है, तो मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट वॉइड करूँगा, तब भी मैं उसको वॉइड फॉर्म में क्रिएट कन्वर्ट कर दूँगा। उसके लिए मुझे वॉइड फॉर्म को पहले से ना क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेम वे वॉइड में भी अगर मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद वॉइड की जगह पर उसे मैं अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो सॉलिड फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। हम जिस भी फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पर विजिबिलिटी का पैरामीटर्स होता है, जैसा कि हमने टैग में यूज़ किया था वॉल के टैग्स में। उसके अलावा यहाँ पर उसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स होते हैं, हम अपने क्रिएट की गई फॉर्म्स को किस व्यू में देखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर से सेट कर सकते हैं, और उसे अगर हमें कोई मटेरियल देना है तो मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं।